अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से खुश आमदीद। बहुत बड़ा फाइनल इस वक्त स्टार्ट होने को जा रहा है। तैमूर मिर्ज़ा और अकबर बोली बैटिंग पर आ चुके हैं। बहुत बड़ा फाइनल, पहली इनिंग स्टार्ट होने वाली है। डिफेंस क्रिकेट क्लब वर्सेस शेरवानी स्पोर्ट्स कराची बमुकाबला पंजाब। पंजाब साइड की पहले बैटिंग, टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है पंजाब की टीम ने। और फाइनल तबस्सुम भाई बताइएगा, जूम वगैरह करना है या नहीं करना? जी अरसलान भाई, उमर भाई भी है, पंजाब की पूरी साइट है और कराची की टीम के साथ इनका फाइनल इस वक्त स्टार्ट होने जा रहा है। बिल्कुल पहला ओवर कराने के लिए आए हैं आसिफ, सामना करेंगे तैमूर मिर्ज़ा और अकबर भोली। जी जी अरसलान भाई, उमर भाई शेखुपुरा वाले हैं। अपडेट आपको दे रहा हूं जी, फास्ट इनिंग जा रही है, फास्ट ओवर जा रही है, फास्ट ओवर करेंगे आसिफ फॉर्म कराची, सामना करेंगे तैमूर मिर्ज़ा फॉर्म गुजरांवाला। जुनैद गुजर भाई, फर्स्ट प्राइज है 4 मोटरसाइकिल और सेकंड है 2 मोटरसाइकिल। थैंक यू अरसलान भाई, थैंक यू। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बहुत बड़ा फाइनल है दोस्तों, और लाइक करें, टाइम लाइन पे इसको शेयर करें। तैमूर मिर्ज़ा इस वक्त स्ट्राइक पे और आसिफ बॉलिंग के लिए बिल्कुल तैयार। जी हाँ, फाइनल बिल्कुल स्टार्ट होने को, पहली बॉल कराने के लिए आ रहे हैं आसिफ, तैमूर मिर्ज़ा फेस करेंगे। पहली बॉल पे बहुत अच्छा शॉट और कैच आउट, पहली बॉल पे तैमूर मिर्ज़ा कैच आउट। बहुत बड़ा नुकसान पंजाब को, डिफेंस क्रिकेट क्लब को, पहली बॉल पे तैमूर मिर्ज़ा कैच आउट। मैच कराची में हो रहा है भाईजान मेट्रोविल साइड एरिया में। बहुत बड़ा नुकसान पंजाब की साइड को, तैमूर मिर्ज़ा पहली बॉल पे कैच आउट हो गए। जी हाँ, बिल्कुल हार्ड लक हुई तैमूर मिर्ज़ा के साथ, पहली बॉल पर कैच आउट हो चुके हैं। मलिक रफीक का थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग की मोहब्बत है जो आप लोग हम लोग का साथ देते हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें ताकि लोग इसको देख सकें। बहुत बड़ा फाइनल है कराची और पंजाब के माबेन दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब लोग मैच देख सकें। तैमूर मिर्ज़ा पहली बॉल पे कैच आउट हो चुके हैं, आसिफ की बॉल पे शेरवानी स्पोर्ट्स को एक बहुत बड़ी कामयाबी और पंजाब को एक बहुत बड़ा धचका। जी हाँ बिल्कुल, विकेट पे आ चुके हैं फख्र पाकिस्तान खुर्रम चकवाल, जिन्होंने सेमीफाइनल में बहुत ही जबरदस्त बैटिंग की थी। देखते हैं क्या करते हैं, फाइनल में आसिफ का सामना करेंगे खुर्रम चकवाल। पहले ओवर की दूसरी बॉल कराने के लिए तैयार आसिफ। बहुत बड़ा फाइनल दोस्तों कराची में, मेट्रोविल साइड एरिया में इस वक्त जारी है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पहली दूसरी बॉल के लिए आए आसिफ, बॉल कराई, अच्छा बॉल किया खुर्रम को आसिफ ने, दो रन ले लिए, बहुत जबरदस्त रनिंग की खुर्रम चकवाल और अकबर भोली ने। जी हाँ, आया मोने वाला खुर्रम चकवाल फख्र पाकिस्तान।
बहुत अच्छा बॉल, यॉर्कर लेंथ पे बॉल थी आसिफ की, खुरम चकवाल ने डाउन द ग्राउंड स्ट्रेट की तरफ खेल दिया। अब फेस में आए अकबर भोली, लाहौर का बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम अकबर भोली फेस करेंगे आसिफ को। पहले ओवर की चौथी बॉल, दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें ताकि बहुत सारे लोग ये मैच देख सकें। बहुत बड़ा फाइनल है कराची और पंजाब के माबेन। अकबर भोली फेस कर रहे हैं आसिफ, बॉलिंग करेंगे। अहमद सिद्दीकी भाई पहली इनिंग है, पहला ओवर है, चौथी बॉल कराने आ रहे हैं आसिफ। अच्छा बॉल किया और जस्ट फ्लिक किया है अकबर भोली ने, एक रन पंजाब को मिलेगा। शाह साहब कराची और पंजाब का मैच हो रहा है, पंजाब की साइड बैटिंग कर रही है इस वक्त, खुरम चकवाल और अकबर भोली बैटिंग पे मौजूद है। बॉलिंग कर रहे हैं आसिफ कराची की तरफ से, एक बहुत अच्छा नाम आसिफ। मलिक रफीक फीका भाई थैंक यू जनाब, हम लोग आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बस ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, टाइम लाइन पे शेयर करें, अपने पेजेस पे इसको शेयर करें ताकि लोग देख सकें। अच्छा बॉल किया, एक और बॉल, डॉट बॉल है ये भी। काफी अच्छी बॉलिंग करते हुए आसिफ। खुरम चकवाल जो कि सेमीफाइनल के हीरो करार पाए थे, फाइनल में इस वक्त क्रीज में मौजूद। जानशेर खान साहब तैमूर भाई पहली बॉल पे आउट हो चुके हैं, कैच आउट हो गया उनका। बाबा उमान भाई छह ओवर का मैच है, पांच ओवर का मैच है, हाँ पांच बॉल, छह ओवर का मैच है भाई, पहले ओवर की पांच बॉल हो चुकी हैं। अच्छा बॉल किया, काफी पेस में बॉल थी ये, खुरम चकवाल समझ नहीं सके। चौधरी अबू बकर चल साहब तैमूर भाई का ही मैच चल रहा है, ये फाइनल है, पहला ओवर कंप्लीट हो चुका है। तैमूर भाई पहली बॉल पे आउट हो गए थे, कैच आउट हो गए थे। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें ताकि तमाम लोग ये मैच देख सकें जो पाकिस्तान के अंदर है, अक्रॉस द पाकिस्तान वो भी ये मैच देख सकें। बहुत बड़ा फाइनल चल रहा है इस वक्त कराची और पंजाब के माबेन। पंजाब की टीम इस वक्त बैटिंग पे मौजूद है, खुरम चकवाल और अकबर भोली इस वक्त क्रीज पर हैं। तैमूर मिर्जा पहली बॉल पे आउट हो चुके थे, बहुत बड़ा नुकसान हुआ पंजाब की साइड को, और शेरवानी स्पोर्ट जो कि कराची से ताल्लुक रखी है उनको बहुत बड़ा फायदा हुआ तैमूर की विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर में चार स्कोर पंजाब की टीम ने बनाया, एक ओवर का इख्तिताम हुआ जो कि आसिफ ने कराया, बहुत अच्छा ओवर कराया, एक विकेट भी ले ली और चार रन सिर्फ पंजाब की टीम को दिए। इस वक्त मौजूद विकेट पे अकबर भोली और खुरम चकवाल, अकबर भोली फेस करेंगे। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें ताकि ये मैच लोग देख सकें। बहुत बड़ा फाइनल चल रहा है इस वक्त कराची में, मेट्रोविल साइड एरिया में, कराची और पंजाब के दरमियान। आरिफ खान साहब आपका नेट स्लो चल रहा होगा तभी रिजल्ट आपको सही नहीं आ रहा, आप ऐसा करें ऑफ करके ऑन करें, इंशाल्लाह रिजल्ट सही हो जाएगा। दूसरे ओवर की पहली बॉल कराने के लिए आए वसीम, बहुत अच्छा बॉल करा है लेकिन वाइट बॉल का इशारा। जी हाँ पंजाब को तीन रन मिलेंगे यहाँ पे। जी दानिश मीर भाई इंशाल्लाह जरूर खुरम को सलाम देंगे आपका। फखर अब्बास साहब जरूर इंशाल्लाह जरूर सलाम देंगे खुरम को। दूसरे ओवर की पहली बॉल कराएंगे वसीम, फेस करेंगे अकबर भोली। अच्छा बॉल किया, बीट कर दिया बिल्कुल अकबर भोली को, लेकिन एक स्कोर मिलेगा पंजाब की साइड को। वकास अदर भाई छह ओवर का मैच है। मलिक हफीज साहब जी बिल्कुल आ जाओ सर, मोस्ट वेलकम।
वसीम भाई यहाँ से पाली लेते हैं वसीम और लोग चकवाली जिससे पहले ले ली 11 बॉलों पर 77 रन आ चुके हैं। खुरम चकवाल फेस करेंगे वसीम को, वसीम आए बॉल की और बहुत तेज बॉल, खुरम बिल्कुल समझ न सके, काफी पेस से बॉलिंग कर रहे हैं वसीम कराची की साइड से, अच्छा नाम। बाईस कदम पे विकेट है उस्मान जट साहब, 22 कदम पे विकेट है। वसीम आए बॉलिंग के लिए, खुरम फेस करेंगे, बॉल कराई, एक और डॉट बॉल, बहुत जबरदस्त बॉलिंग इस वक्त वसीम की तरफ से जारी। अभी तक पंजाब की तरफ से कोई बाउंड्री नहीं लगी, जबकि एक नुकसान उठाना पड़ा पंजाब को तैमूर मिर्जा की शक्ल में। जी शौकत अली साहब, कर्नल जाहिद बिल्कुल मौजूद है, बैटिंग साइड पे हैं, इसके बाद उनकी बॉलिंग है। जंजेब खान साहब, मेट्रोविल में मैच हो रहा है साइड एरिया में कराची, एक और अच्छा बॉल बीट हुए खुरम चकवाल, वसीम की बहुत जबरदस्त बॉलिंग। अच्छा शॉट खेल दिया खुरम चकवाल ने डाउन द ग्राउंड, एक रन मिलेगा। वसीम लेफ्टी की बहुत अच्छी बॉलिंग, काफी अच्छी पेस से बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त वसीम लेफ्टी, और अब फेस करेंगे अकबर भोली। जंजेब खान साहब, मलिक तरीन ग्राउंड का नाम है मेट्रोविल में साइड एरिया में। वसीम आए बॉलिंग की, अकबर बोली फेस करेंगे, अच्छा बॉल किया लेकिन वाइट बॉल का इशारा होगा अंपायर की तरफ से। भाई 6 ओवर का मैच है, फर्स्ट इनिंग जारी है, अभी टारगेट दे रही है पंजाब की टीम कराची की टीम को। बिल्कुल बहुत बड़ा फाइनल कराची और पंजाब के दरमियान। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि दूसरे दोस्त भी ये मैच देख सकें। वसीम आए बॉल की, हिट विकेट आउट कर दिया अकबर भोली को, हिट विकेट आउट हो चुके हैं अकबर भोली, हार्ड लक अकबर भोली के साथ हिट विकेट आउट हो चुके हैं। वसीम की बहुत जबरदस्त बॉलिंग, बहुत ही आउट क्लास बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त शेरवानी स्पोर्ट्स के बॉलर वसीम। दूसरा ओवर है सोहेल अब्बासी साहब, दूसरा ओवर ही है, 10 स्कोर 2 ओवर 10 स्कोर और 2 विकेटें गिर चुकी हैं पंजाब की तैमूर मिर्जा और अकबर भोली की शक्ल में। अब बैटिंग पर आ रहे हैं वसीम लेफ्टी, जो कि खुरम चकवाल का साथ देंगे। 2 ओवर और 10 स्कोर हैं पंजाब के और 2 विकेटें गिर चुकी हैं। अहमद सिद्दीकी साहब, यार गलत कमेंट नहीं करें प्लीज यार, सब भाई हैं कराची वाले हों या पंजाब वाले हों, मैच देखें, मैच को एंजॉय करें, क्रिकेट को एंजॉय करें, गलत कमेंट्स बिल्कुल भी ना करें। दस है
आसिफ एक बार फिर बॉलिंग कराने के लिए आए हैं। खुर्रम चकवाल फेस करेंगे। अच्छा शॉट खेल दिया खुर्रम चकवाल ने 6 रन के लिए। बहुत जबरदस्त शॉट ऑफ साइड की तरफ आसिफ को लगा दिया है खुर्रम चकवाल ने। एक और शॉट लगा दिया खुर्रम चकवाल ने, बहुत ही बड़ा छक्का आसिफ को, बहुत ही बड़ा छक्का। बहुत जबरदस्त शॉट भाईजान खुर्रम चकवाल की तरफ से। आसिफ इस वक्त बिल्कुल बेबस नजर आते हुए। आसिफ तैयार बॉलिंग करने के लिए, खुर्रम फेस करेंगे। एक और बॉल किया लेकिन डॉट बॉल होगी, 1 रन मिलेगा पंजाब की साइड को। मुजम्मिल अहमद भाई उमरी पेसर नहीं आया इस वक्त। स्टाइलिश लड़का एसन चिट्टा भाईजान आएगा, जब कोई आउट होगा तो एसन चिट्टा आएगा। फिलहाल मौजूद है विकेट पे वसीम लेफ्टी और खुर्रम चकवाल। वसीम लेफ्टी फेस करेंगे आसिफ को। दूसरी साइड पे भाईजान असद शाह, दाऊद पठान, शफी आगा, अशरफ पठान, बहादुर अली, जबीउल्लाह, ये सारे दूसरी साइड पे ओपन है कराची की तरफ से। एक अच्छा शॉट लगाया लेकिन कैच आउट वसीम लेफ्टी भी। एहतिशाम जी, अजीज कांदड़ो का मैच इससे पहले था सेमीफाइनल, जानबाज स्टेडियम की तरफ से अजीज कांदड़ो खेल रहे थे लेकिन वो किसी वजह से अपनी टीम को ज्वाइन नहीं कर सके थे। सेमीफाइनल उनकी टीम हार चुकी है, अब फाइनल चल रहा है शेरवानी स्पोर्ट्स और पंजाब के मापेन। एसएन चिट आए हैं बैटिंग पे। मुजम्मिल भाई तैमूर मिर्जा पहली बॉल पे कैच आउट हो गए थे। एसएन चिट्टा और खुर्रम चकवाल बैटिंग पे मौजूद। फर्स्ट प्राइज भाईजान 4 मोटरसाइकिल है, सेकंड प्राइज 2 मोटरसाइकिल है। अच्छा शॉट लगा दिया एसन चिट्टा ने पहली बॉल पे छक्का। सोहेल अब्बासी साहब सीडी 70 इनाम है यहाँ पे, 4 सीडी 70 और सेकंड इनाम जो है वो है 2 सीडी 70।
ओवर के बाद मुजम्मिल भाई मैं आपको स्कोर बताता हूँ। अच्छा शॉट खेला लेकिन बॉल हवा में, कैच आउट होने का खतरा और कैच ड्रॉप। एसएन चिट्टा का किया कैच ड्रॉप चरवानी स्पोर्ट्स के फील्डर ने इरशाद ने। जी जहीर कालिया खेल रहा भाई, पंजाब की पूरी साइड आई हुई है। मुसफर हुसैन भाई, 6 ओवर का मैच है, 3 ओवर हो चुके हैं। स्कोर किया भाई, स्कोर पता भाई, स्कोर कितना बत्तीस रन है 3 ओवर के अख्तिताम पे, पंजाब के 32 रन है, 31 सॉरी। पुरम चकवाल फेस करेंगे वसीम को, बहुत जबरदस्त शॉट, कैच होने का खतरा और पुरम चकवाल आउट। बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान खुरम चकवाल की शक्ल में, पंजाब को खुरम चकवाल हुए आउट। अब बैटिंग पर आ रहे हैं फखरे शेखुपुरा उमर भैया, 31 स्कोर है। तलाश आप भाई 31 स्कोर है, चौथे ओवर का खेल जारी है। पहली बॉल पे खुरम आउट हुए, अब आ रहे हैं उमर भैया। यासिर नवीद भाई तैमूर ने कोई स्कोर नहीं किया, पहली बॉल पे मैच की पहली ही बॉल पे कैच आउट हो गए थे और अब बैटिंग पर आए हैं उमर भैया। मेट्रोविल में भाईजान मलिक तरीन ग्राउंड है, उसमें ये मैच हो रहा है। खान जी आका खेल, अच्छा शॉट खेल दिया, पहली ही बॉल पे सिक्स लगा दिया उमर भैया ने, बहुत खूबसूरत शॉट। जी जी सऊदी अरब से आप देख रहे हैं जी, बिल्कुल वेलकम, थैंक यू। पूछे हम आपको क्या जवाब दें सर जी, अड़तीस स्कोर हो चुका है, चौथे ओवर का मैच जारी है। अच्छा बॉल किया वसीम ने, बीट हुए उमर भैया। Bye.
जी हाँ दोस्तों, इस वक्त ग्राउंड में जो विनिंग प्राइस की बाइक्स हैं वो लेके आ रहे हैं कमेटी वाले, जो कि आप देख सकते हैं। एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट आप लोग के सामने बजे ग्राउंड में आप लोग देख रही है, महसूस हो रहे हैं और बड़े अच्छी जगह जी। नासिर भाई वेलकम बहरेन से देखने के लिए, बहुत बहुत वेलकम, थैंक यू। पूछे सर जी, क्या क्या सवाल करना है आपने? पूछे दाऊद खान साहब, वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाए। मुश्तबा अहमद लव फ्रॉम तलागंज, थैंक यू सर जी, थैंक यू। वसीम आए बॉलिंग की, बहुत जबरदस्त शॉट हसन चिट्टा का, बहुत बड़ा छक्का। बाबा तजम्मुल शाह साहब वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम सर, थैंक यू सो मच। मुदस्सर इकबाल भाई बैटिंग पंजाब की साइड कर रही है, एसएन चिट्टा और उमर भाई दोनों बैटिंग पर मौजूद हैं। अरसलान भाई सऊदी अरब से देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर जी। आमिर भाई स्कोर मैं बताता हूँ ओवर के बाद आपको, इंशाल्लाह जरूर स्कोर बताऊंगा, थोड़ा सा वेट कर लें। इमरान गोंदल साहब थैंक यू सो मच, बस ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें ताकि लोग देख सकें ये मैच। वॉचिंग फ्रॉम डेनमार्क इमरान गुंदल साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ये आप लोग की मोहब्बत है। वसीम आए बॉलिंग के लिए, फेस करेंगे एसन चिट्टा, एक और शॉट खेल दिया एसन चिट्टा ने और कैच आउट, बिल्कुल बाउंड्री पे कैच आउट यार। अब बैटिंग पर आ रहे हैं उस्मान चीनी, जिनका ताल्लुक रहीम यार खान से, डिफेंस क्रिकेट क्लब के कैप्टन। पंजाब की साइड इस वक्त काफी मुश्किलात से दो चार, कराची की साइड बहुत अच्छी बॉलिंग करते हुए अब आए हैं उस्मान चीनी बैटिंग करने के लिए। सामना करेंगे वसीम लेफ्टी का, स्टाइलिश लड़का। नहीं सर जी, दाऊद पठान नहीं खेल रहा, वो किसी वजह से नहीं आ सके, बाकी उनकी पूरी टीम खेल रही है। भाई हवा भी है लेकिन बाउंड्री काफी बड़ी है जिसकी वजह से कैचेस हो रहे हैं। जी रियान भाई तैमूर आउट हो चुका है, छह ओवर का मैच है नासिर अयूब भाई, छह ओवर का मैच है। वसीम आ रहे हैं बॉलिंग करने के लिए, सामना करेंगे उस्मान चीनी, पहली बॉल पे शॉट खेल दिया और अच्छी फील्डिंग, एक रन मिलेगा। तो
कासिम रफीक भाई अब आए हैं, उस्मान चीनी जिनका ताल्लुक रहीम यार खान से है, साथ देंगे भाई उमर का। जी जी मलिक साहब, कर्नल जाहिद भी हैं वो बैटिंग साइड में, उनकी बॉलिंग आनी है अभी। शेर मोहम्मद सर जी तकरीबन 43 स्कोर हो चुका है। जबीउल्लाह है बॉलिंग करने के लिए, फेस करेंगे उस्मान चीनी और बोल्ड कर दिया। उस्मान चीनी हुए बोल्ड जबीउल्लाह की बॉल पे। अब बैटिंग पर आ रहे हैं राणा मोहसिन, उनका भी ताल्लुक रहीम यार खान से। शेर मोहम्मद भाई तैमूर आउट हो चुका है पहली बॉल पे, इस इनिंग की पहली बॉल पे तैमूर आउट हो गए थे कैच आउट। अब विकेट पे मौजूद हैं उमर भाई और राणा मोहसिन। बाबर भाई तैमूर ने कोई सिक्स नहीं किया, तैमूर पहली बॉल पे कैच आउट हो गए थे। स्कोर पांचवें ओवर का खेल जारी। जबीउल्लाह आए बॉलिंग के लिए, सामना करेंगे राणा मोहसिन। अच्छा बॉल किया डाउन द ग्राउंड, अच्छा शॉट, एक रन मिलेगा सामने पे। अब फेस पे आए हैं भाई उमर जिनका ताल्लुक शेखुपुरा से। खान वहीद अख्तर जी बिल्कुल इंशाल्लाह। आसिम बिलाल साहब खुरम भी आउट हो गए। अच्छा बॉल जबीउल्लाह का, जी विक्की गर्देसी साहब खुरम आउट हो चुके हैं, तैमूर आउट हो चुके हैं, एहसन चिट्टा भी आउट हो गए हैं, वसीम लेफ्टी भी आउट है, अकबर भोली भी आउट हो चुके हैं। जबीउल्लाह आए बॉलिंग के लिए राणा मोहसिन फेस पे, अच्छा शॉट और 6 रन के लिए जबरदस्त शॉट। थैंक यू शेर मोहम्मद भाई, थैंक यू सो मच, आप लोग की मोहब्बत है। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों इसको शेयर करें, लाइक करें, अपने टाइम लाइन पे इसको शेयर करें, पेजेस पे शेयर करें, ताकि ये बहुत बड़ा फाइनल आवाम देख सके। एक और बॉल की जबीउल्लाह ने, लेकिन बीट हुए राणा मोहसिन। राजीव अरोड़ा साहब ये मैच हो रहा है पाकिस्तान कराची में मेट्रोविल साइट एरिया में। थैंक यू शेर मोहम्मद साहब, थैंक यू सो मच। दाऊद खान साहब ये टूर्नामेंट है, फाइनल चल रहा है। एक और बॉल किया, शॉट खेला डाउन द ग्राउंड, 2 रन मिलेंगे पंजाब की साइड को। बहुत अच्छी रनिंग डाउन द विकेट, बिटवीन द विकेट। 56 स्कोर हो चुका है,
पांच ओवर के अख्ताम पे 56 स्कोर है पंजाब की साइड का। शेरवानी स्पोर्ट्स की काफी अच्छी बॉलिंग जारी, इस वक्त पंजाब की साइड काफी मुश्किल से दो चार। 56 स्कोर हो चुका है, 56 स्कोर पांच ओवर के अख्ताम पे। वसीम खान साहब थैंक यू, आप सऊदीया से ये मैच देख रहे हैं, थैंक यू, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें ताकि ये मैच सारे लोग देख सकें। बहुत बड़ा फाइनल कराची में इस वक्त हो रहा है पंजाब और कराची की टीमों के माबेन। इरशाद आए हैं बॉलिंग पे, जो कि मेट्रोविल के स्टार बॉलर कहलाते हैं। फेस करेंगे उमर भैया, इरशाद आए बॉलिंग पे, बॉल कराई और अच्छा शॉट खेल दिया उमर। भाई 60 स्कोर हो चुका है, 6वें ओवर की पहली बॉल हो चुकी है, 60 स्कोर है पंजाब की साइड का। नासिर चौधरी साहब थैंक यू सो मच। अच्छा शॉट खेला लेकिन कैच होने का खतरा और 4 रन। छह रन के लिए खेल दिया उमर भैया ने। इरशाद आए बॉलिंग पे, भाई उमर फेस करेंगे। अच्छा शॉट खेल दिया एक बार फिर उमर भाई ने 6 रन के लिए। बहुत अच्छी बैटिंग इस वक्त भाई उमर शेखुपुरा की तरफ से, इरशाद इस वक्त बिल्कुल बेबस नजर आ रहे हैं। इरशाद आ रहे हैं बॉलिंग करने के लिए और सामना करेंगे उमर भाई। बहुत अच्छा बॉल, काफी पेस से बॉल कराई थी, बीट हुए उमर भाई और एक रन मिलेगा। स्कोर हो चुका है पंजाब की साइड का, लास्ट ओवर का खेल जारी। इरशाद करा रहे हैं बॉलिंग, राणा मोहसिन करेंगे फेस। इरशाद आए बॉलिंग की और अच्छा शॉट खेल दिया राणा मोहसिन ने 6 रन के लिए ऑफ साइड पे। बहुत ही क्लास का शॉट राणा मोहसिन की तरफ से, जबरदस्त। बहुत ही आउट क्लास शॉट खेला राणा मोहसिन ने, बहुत ही जबरदस्त। इरशाद आए बॉलिंग करने के लिए, एक और शॉट खेल दिया लेकिन डाउन द ग्राउंड। 2 रन मिलेंगे, आउट होने का खतरा और ये आउट। 81 का टारगेट है कराची की साइड को पंजाब की तरफ से। छह ओवर में 81 का टारगेट है एसएन शेरवानी स्पोर्ट्स को डिफेंस क्रिकेट क्लब के खिलाफ।
तबसुम भाई अगर आप ये मैच देख रहे हैं तो 81 का टारगेट आप पिन कर दें, 6 ओवर में 81। इतने बार बचा गया आखिरी में, और भी थोड़ा ठीक थी ये वेस्ट पॉइंट। हां हाँ जानू क्या हाल है, खैरियत है, मजे में पेट चला गया, बाद में ले लेते, इधर दे पानी पिला रहा है। मैंने उसको बुलाया लेकिन वो नहीं आया, वो फाइन चला गया। मैं की करा यार, यहां पर कितना रन यार, रन यहां पर 4 रन नहीं लिए यार। यार वो तो खलो था ना, उसने के करो तैमूर को करा दे यार, करा के दे आ मन साहब भाई, ऑटोग्राफ वो पहले उधर खलो की गालियां करने लगा मैं 14 से, तैमूर चंगा कावड़ पे है दो। हां कितना टारगेट है, 81 आए हुए भाई, जो है हां ये करना है, आप नहीं करना है तो भाई तू जाने आप क्या करेंगे भाई साहब, मान लेना यार, चले जा यार, मैं शुरू कर रहा हूं आपके सवाल जवाब। ए रश अली अकबर भाई मैच कराची में हो रहा है मेट्रोविल साइड एरिया में। थैंक यू सिरहालियन क्रिकेट टेप बॉल मैच देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, सब ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। फाइनल दूसरी इनिंग स्टार्ट होने वाली है, पंजाब ने 81 का टारगेट दिया है एसएन शेरवानी स्पोर्ट्स को। जी जाविर हितार भाई, जी जी आपके मैसेजेस पहुंच रहे हैं, पूछें क्या पूछना है सर। जी असद ओपनर आए हैं बैटिंग करने के लिए, असद शाह और बहादुर लेफ्टी। जी जी जावेद हितार भाई बहुत बहुत शुक्रिया, तैमूर मिर्जा भी हैं इस वक्त, तैमूर मिर्जा आज आउट हो गए थे लेकिन थैंक यू आपका वहां से देखने के लिए, इंडिया से लव फ्रॉम पाकिस्तान। मकबूल हुसैन थैंक यू सर जी, वालेकुम सलाम। बॉलिंग पर आए हैं जहीर कालिया, और
भाई प्राइस चार मोटरसाइकिल है सिटी 70s और दूसरा जो सेकंड प्राइस है वो दो मोटरसाइकिल है। मलिक कासिम अली खान 81 रन का टारगेट है, 81 का टारगेट दिया है पंजाब ने कराची को। सेकंड इनिंग का पहला ओवर पहली बॉल कराने के लिए है जहीर कालिया, सामना करेंगे असद शाह। मोहम्मद अतीक भाई जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, पहली बॉल कराने के लिए आए। बहुत तेज बॉल, बहुत ही तेज बॉल, असद शाह बिल्कुल समझ न सके, बहुत ही तेज बॉल कराई जहीर कालिया ने। एटी वन का टारगेट है भाईजान, छह ओवर के अंदर कराची को पंजाब ने 81 का टारगेट दिया है और पहले ओवर की पहली बॉल हो चुकी है। जहीर कालिया बॉलिंग करा रहे हैं, असद शाह बैटिंग पे मौजूद। ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें ताकि ये सब मैच देख सकें। बहुत बड़ा फाइनल कराची और पंजाब के माबेन। पहले ओवर की दूसरी बॉल कराने के लिए जहीर कालिया तैयार और सामना करेंगे असद शाह। एक और बॉल कराया काफी पेस से लेकिन अंपायर का इशारा देखना होगा, वाइड बॉल। मोहम्मद उस्मान भाई 81 का टारगेट है, एक और बॉल किया काफी पेस थी लेकिन एक और वाइट बॉल। वकास भाई सबने मिलकर स्कोर किया है, कोई ज्यादा बैटिंग नहीं कर सका। उमर भाई, एसएन चिट्टा और खुरम चकवाल ने मिलकर बैटिंग की तब जाके 81 स्कोर मिला। जहीर कालिया आए बॉलिंग करने के लिए, बहुत जबरदस्त बॉल, एक बार फिर बीट किया असद शाह को जहीर कालिया ने। मलिक रफीक फीका साहब, तैमूर ने कोई फाइनल स्कोर में स्कोर नहीं किया, पहली बॉल पे कैच आउट हो गए थे। एक और बॉल किया, बहुत अच्छा बॉल लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग खुरम चकवाल की जानिब से, चौका बचाया बहुत ही जबरदस्त, बहुत जबरदस्त फील्डिंग। मौजूद असद शाह,
या बोल रहेंगे असद शाह ठीक है मोहम्मद सलाम भी उमर भाई को आपका जरूर सलाम देंगे मोबाइल पकड़ लिया कॉल मैसेज आप बताइए जहीर कालिया तैयार बॉलिंग करने के लिए असद शाह फेस पे एक और बॉल बीट करा दी जहीर कालिया ने कमाल की बॉलिंग इस वक्त जारी जहीर कालिया की तरफ से अब फेस पे आए हैं बहादुर अली बहादुर लेफ्टी सामना करेंगे जहीर कालिया का जहीर कालिया आए बॉलिंग के लिए तैयार एक और बॉल की और बीट कर दिया बहादुर को स्टाइलिश मैन तैमूर मिर्जा ने फाइनल में कोई स्कोर नहीं किया पहली बॉल पे कैच आउट हो गए थे जहीर कालिया अपने ओवर की आखिरी बॉल कराने के लिए तैयार और असद शाह करेंगे फेस जहीर कालिया आए बॉलिंग के लिए तैयार आए बॉल की अंपायर का इशारा देखना होगा वाइट बॉल सात रन हो चुके हैं एक और बॉल किया अच्छी बॉल आठ रन पहले ओवर में एहसन शेरवानी स्पोर्ट्स को मिले जहीर कालिया का बहुत जबरदस्त ओवर अब बॉलिंग पर आ रहे हैं सदाम शाह फ्रॉम लैया राजीव अरोड़ा साहब कोई आउट नहीं हुआ अभी तक एसएन शेरवानी स्पोर्ट्स की तरफ से असद शाह करेंगे फेस सदाम शाह को पहले ओवर में सात स्कोर दिए जहीर कालिया ने अब दूसरा ओवर कराने के लिए हैं सदाम शाह फ्रॉम लैया थैंक यू मोहम्मद अकरम भाई थैंक यू असद शाह फेस करेंगे सदाम शाह को सदाम आए बॉलिंग के लिए बॉल की बहुत अच्छा बॉल लेकिन अच्छा बॉल किया था सदाम शाह ने सदाम शाह को फेस करेंगे बहादुर लेफ्टी Thank you.
चेक करने में मशहूर है अपने थैंक यू मोहम्मद इलियास भाई, थैंक यू सदाम शाह रेडी बॉल कराने के लिए आए सदाम शाह। बहादुर लेफ्टी फेस करेंगे, आए बॉल की, बहुत अच्छा बॉल बीट कर दिया बहादुर लेफ्टी को, बहुत जबरदस्त बॉल। आफ्ताब भाई 22 कदम की विकेट है, ये 22 कदम की विकेट है। बहुत जबरदस्त बॉलिंग जारी इस वक्त सदाम शाह की तरफ से, बहादुर लेफ्टी फेस करेंगे सदाम शाह को। सदाम शाह इस वक्त रेडी बॉलिंग कराने के लिए बॉलिंग एंड पे, सदाम शाह आए बॉलिंग के लिए तैयार, बॉल कराई और एक और बोल्ड कर दिया बहादुर लेफ्टी को, बोल्ड कर दिया। जबरदस्त बॉलिंग जारी इस वक्त सदाम शाह की तरफ से, आउट क्लास बॉल की बहादुर लेफ्टी को और बोल्ड कर दिया बहादुर लेफ्टी को सदाम शाह ने। अब आ रहे हैं बैटिंग पे कराची का बहुत बड़ा नाम दाऊद खान पठान। बेल बजा दो आगे जी हाँ बिल्कुल, दाऊद पठान इस वक्त क्रीज में मौजूद, असद शाह का देंगे साथ और बॉलिंग कराएंगे सदाम शाह फ्रॉम लैया। कराची के दो बहुत बड़े नाम असद शाह और दाऊद पठान क्रीज में मौजूद, दूसरी जानिब बॉलिंग पे मौजूद सदाम शाह फ्रॉम लैया, बहुत अच्छा बॉलर, अभी तक बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं। सदाम शाह रेडी, दाऊद पठान अपनी बैटिंग की पहली बॉल फेस करने के लिए तैयार। सदाम शाह आए बॉल की, बहुत अच्छा बॉल बीट कर दिया दाऊद पठान को, लेकिन एक रन मिलेगा। दस रन स्कोर हो चुका है, दूसरे ओवर का खेल जारी एक विकेट के नुकसान पे एसएन शेरवानी स्पोर्ट्स के। सदाम शाह बॉलिंग करेंगे असद शाह को, असद शाह सामना करेंगे सदाम शाह का, दोनों बहुत बड़े नाम। सदाम शाह रेडी बॉलिंग के लिए, रन अप लिया बॉल कराने के लिए आए और बहुत जबरदस्त बॉल एक बार फिर बीट किया और रन आउट होने का खतरा था, लेकिन असद शाह बच गए। मलिक शहबाज भाई थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कॉल उठाता ना, सदाम लैया बहुत जबरदस्त बॉलिंग कराते हुए इस वक्त, दाऊद पठान करेंगे सामना सदाम शाह का। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, टाइमलाइन पे शेयर करें, पेजेस पे शेयर करें, ताकि लोग ये मैच देख सकें। दाऊद पठान फेस करेंगे सदाम शाह को, सदाम रेडी हुए बॉल कराने, आए बॉल कराई और दाऊद ने शॉट खेला डाउन द ग्राउंड। पूरम चकवाल है फील्डिंग पे, अच्छी फील्डिंग की, बहुत जबरदस्त ओवर कराया सदाम शाह ने। बारह स्कोर हो चुके हैं सर जी, दो ओवर में 12 स्कोर हो चुका है एक विकेट के नुकसान पे एसएन शेरवानी के। बहुत अच्छे ओवर किया जहीर कालिया और सदाम शाह ने। दो ओवर 12 स्कोर एसएन शेरवानी स्पोर्ट्स के, बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग जारी इस वक्त डिफेंस क्रिकेट क्लब पंजाब की जानिब से। सदाम शाह और जहीर कालिया ने अपने दो ओवर किए बहुत ही आउट क्लास और एक विकेट ली सदाम शाह ने बहादुर अली की।
احمد بھائی یہ میچ کراچی میں ہو رہا ہے سائٹ ایریا میں میٹرو ویل ملک ترین گراؤنڈ میں, ایک بار پھر ظہیر کالیا اپنے کوٹے کا دوسرا اوور کرانے آئے ہیں, سامنا کریں گے داؤد پٹھان. جی جی احمد بھائی پوچھیں کیا آپ کو جواب دوں, سر جی پوچھیں. مشتبہ احمد بھائی دو اوور میں 12 اسکور ہے احسن شیروانی کراچی کے اور ایک وکٹ کے نقصان پہ, جو کہ بہادر علی آؤٹ ہو چکے ہیں. صدام شاہ نے بہت اچھی بالنگ کی اور ظہیر کالیا نے, اب تیسرا اوور اسٹارٹ ہونے جا رہا ہے, سامنا کریں گے داؤد پٹھان ظہیر کالیا کا. تیسرے اوور کرانے آئے ہیں, تیسرا اوور کرانے آئے ہیں ظہیر کالیا, سامنا کریں گے داؤد پٹھان کراچی کا بہت بڑا نام. جی جی یہ فائنل ہے راجیو اروڑا صاحب, تیسرے اوور کی پہلی بال, اچھا شاٹ کھیل دیا داؤد پٹھان نے اور سکس رنز کے لیے. تھینک یو احمد بھائی, تھینک یو. سلمان اسپورٹس داؤد پٹھان نے سکس لگا دیا ہے ظہیر کالیا کو, سلمان اسپورٹس کا بیٹ ان کے ہاتھ میں. جی ملک شہباز صاحب انشاءاللہ پوری کوشش کی جائے گی کہ چک ملوک والا ٹورنامنٹ بھی دکھایا جائے. ظہیر کالیا آئے تیار ہوئے اپنے اوور کی دوسری بال کرنے کے لیے, سامنا کریں گے داؤد پٹھان, بال کی بہت تیز لیکن وائٹ بال, ایک رن ملے گا احسن شیروانی اسپورٹس کو. بہت اچھا بال کیا, آؤٹ ہونے کا خطرہ, کرنل زائد نیچے اور کیچ آؤٹ, اسد شاہ کو کیا آؤٹ ظہیر کالیا نے, اکبر بولی نے بہت اچھا کیچ کیا اور اسد شاہ ہوئے آؤٹ, ظہیر کالیا نے کمال کی بالنگ کی. بہت بڑا نقصان احسن شیروانی اسپورٹس کو اسد شاہ کی شکل میں. بہت زبردست بالنگ ظہیر کالیا کی جانب سے جاری اور بہت ہی اچھا کیچ کیا اکبر بولی نے. غزنفر علی بھائی یہ میٹرو ویل میں ہو رہا ہے کراچی سائٹ ایریا میں. رانا عظیم صاحب جی بالکل یہ ہیں دادا استاد ظہیر کالیا. دوستوں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, لائک کریں تاکہ لوگ یہ میچ دیکھ سکیں. بہت بڑا فائنل اس وقت کراچی میں جاری ہے پنجاب اور کراچی کے درمیان. ظہیر کالیا ریڈی بال کرانے کے لیے, سامنا کریں گے داؤد پٹھان. ظہیر نے رن اپ لیا, آئے بال کی, بولڈ کر دیا داؤد پٹھان کو, کمال کی بالنگ ظہیر کالیا کی طرف سے, یہ ہے استاد ظہیر کالیا. کمال کی بالنگ ظہیر کالیا کی جانب سے, داؤد پٹھان کو کیا کلین بولڈ.
اب آئے ہیں بیٹنگ پہ شفیع آغا جو کہ ساتھ دیں گے اشرف پٹھان کا. کون ہے عامر بھائی؟ ظہیر کالیا ریڈی بال کرانے کے لیے آئے, بال کرائی, بہت اچھا بال بیٹ کیا شفیع آغا کو. او آؤٹ ہونے سے بچے شفیع آغا. بہت اچھی فیلڈنگ تیمور مرزا کی جانب سے, کمال کا فائنل اس وقت جاری کراچی میں. ابے یہ موبائل ہی بند ہو گیا. نہیں ہوا, نہیں ہوا, نہیں لا دے دیکھ کیسا ہلا. میں اوور ابھی بھی باقی ہیں, 600 پہ مشہور میچ, تیسرے اوور کا کھیل جاری, 3 وکٹ حاصل کر چکے ہیں ڈیفنس سے. ظہیر کالیا آئے بال کی اشرف پٹھان کو, بیٹ کیا اشرف پٹھان کو, آؤٹ ہونے کا خطرہ لیکن اچھا فیلڈ کیا ظہیر کالیا نے. انیس الحق صاحب حسن علی نہیں آیا, یہ کراچی میں میچ ہو رہا ہے پنجاب اور کراچی کے درمیان. ظہیر کالیا بالنگ کرنے کے لیے تیار, سامنا کریں گے اشرف پٹھان. ظہیر آئے بال کرائی اور بیٹ کرا دیا بالکل. اچھی بالنگ کر رہے ہیں ظہیر کالیا. نو بال تھی, یہ فری ہٹ ہوگی ظہیر کالیا کی طرف سے. فری ہٹ کا سامنا کریں گے شفیع آغا کراچی کے بیٹس مین. زیڈ کے کا بیٹ, ظہیر کالیا کا بیٹ ان کے ہاتھ میں. اچھا بال کیا ظہیر کالیا نے, بیٹ ہوئے شفیع آغا لیکن وائٹ بال. فری ہٹ اس وقت بھی موجود, سامنا کریں گے اشرف پٹھان ظہیر کالیا کا. احمد بھائی یہ سیکنڈ اننگ ہے, 81 کا ٹارگٹ دیا تھا پنجاب نے اور کراچی کی بیٹنگ جاری ہے, تیسرا اوور کرا رہے ہیں ظہیر کالیا. ظہیر کالیا تیار, فری ہٹ ہے, سامنا کریں گے اشرف پٹھان. تیسرے اوور کا میچ جاری, ظہیر کالیا تیار بالنگ کرانے کے لیے, سامنا کریں گے اشرف پٹھان. آئے بال کی اور اچھا بال کیا, ایک رن ملے گا اشرف پٹھان کو. خرم چکوال نے اچھی فیلڈنگ کی. مہر وارث علی, آئی ایم فرام سعودیا, تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو سو مچ. تین اوور کے اختتام پہ احسن شیروانی سپورٹس کا اسکور 27 رن, تین وکٹوں کے نقصان پہ.
बॉलिंग के लिए आए हैं एक बार फिर स्टार बॉलर फ्रॉम पंजाब सदाम शाह फ्रॉम लैया। बहुत अच्छा ओवर किया था पहला सदाम शाह ने, बहादुर अली को बोल्ड किया था। देखते हैं इस ओवर में क्या होता है। 27 रन है 3 ओवर में एहसन शेरवानी स्पोर्ट्स कराची के। चौथा ओवर कराने के लिए आए हैं सदाम शाह एक बार फिर, सामना करेंगे अशरफ पठान। नवीद राजा साहब प्राइस है 4 मोटर बाइक है सीडी 70 और सेकंड है 2 बाइक। सदाम शाह है बॉलिंग के लिए तैयार, बॉल कराई बहुत जबरदस्त बॉल, अशरफ पठान को किया बीट लेकिन एक रन मिलेगा। शानी मलिक साहब वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम सलाम। मेहर वारिस अली जी बिल्कुल फाइनल है, सेकंड इनिंग है, चौथे ओवर का खेल जारी है। पंजाब ने टारगेट दिया है 81 का, चौथा ओवर इस वक्त जारी है, एक बॉल हो चुकी है, 28 स्कोर है एहसन शेरवानी स्पोर्ट्स कराची के। सदाम शाह रेडी बॉल कराने के लिए दौड़े आए, बॉल कराई शफी आगा को किया बीट, बहुत अच्छा बॉल सदाम शाह की जानिब से। मोहम्मद इस्लाम भाई वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच सब भाइयों का मैच देखने के लिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें लाइक करें ताकि ये लोग मैच देख सकें। बहुत बड़ा फाइनल कराची में इस वक्त जारी, जबरदस्त बॉलिंग इस वक्त सदाम शाह की जानिब से। कदीर खान साहब वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम सर जी। शफी आगा सामना करेंगे सदाम शाह फ्रॉम लैया का। सदाम आए बॉल की और अच्छा बॉल किया, डाउन द ग्राउंड बॉल गई, खुरम चकवाल ने फील्ड की और बहुत अच्छी बॉलिंग सदाम शाह की जानिब से। इजाज खान साहब वालेकुम अस्सलाम सर जी, तबस्सुम भाई इंशाल्लाह जी जरूर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर कोशिश करूंगा तबस्सुम भाई इंशाल्लाह। जेरमल एहसानुल्ला भाईजान कराची में मैच हो रहा है जी। मेहर वारिस अली साहब सदाम शाह की कमर का मसला है, उनको काफी पेन है लेकिन फिर भी इस पेन के बावजूद इतनी जबरदस्त आउट क्लास बॉलिंग कर रहे हैं सदाम शाह। सदाम शाह है बॉल की एक बार फिर बीट किया अशरफ पठान को, कमाल की बॉलिंग सदाम शाह की जानिब से। साकिब मेहर भाई 81 का टारगेट है 6 ओवर में, 81 का टारगेट है। एसएन राजे साहब स्कोर में बताता हूं ओवर के बाद, चौथे ओवर का खेल जारी है। सदाम शाह आए बॉल कराई और अच्छा बॉल, पुरम चकवाल करेंगे फील्ड, आउट होने का खतरा था लेकिन बच गए अशरफ पठान जी। जावेद मलिक भाई कर्नल जाई जरूर बॉलिंग करेंगे अगर उनको ओवर दिया गया। सदाम शाह है बॉलिंग के लिए तैयार, शफी आगा करेंगे फेस, बॉल किया लेकिन अंपायर का इशारा देखना होगा, वाइड बॉल। अजहर हुसैन भाई खुरम बॉलिंग साइड में है पंजाब की साइड से, मेहर वारिस अली लाइव दिखाने का शुक्रिया, थैंक यू सर जी, थैंक यू सो मच, शेयर करें लाइक करें इस मैच को। सदाम आए बॉल के लिए, शफी आगा को बॉल किया और बहुत जबरदस्त बॉल, बहुत ही जबरदस्त ओवर किए सदाम शाह और जहीर कालिया ने अपने। शानी मलिक वॉचिंग फ्रॉम रावलपिंडी, थैंक यू सर जी, थैंक यू। सदाम को
क्या है दो ओवर में 49 स्कोर चाहिए एसएन शेरवानी स्पोर्ट्स कराची को। अब बॉलिंग पे आए हैं कर्नल जाहिद चिश्ती अजीमी साहब। ये मलिक तरीन ग्राउंड है मेट्रो विल साइड एरिया में। दो ओवर में 49 रन चाहिए कराची को ये मैच विन करने के लिए। कर्नल जाहिद आए बॉलिंग कराने के लिए, सामना करेंगे अशरफ पठान। बाबर शहजाद वॉचिंग फ्रॉम यू, थैंक यू सर जी, थैंक यू। बॉलिंग पर आए हैं इस वक्त कर्नल जाहिद और फेस करेंगे अशरफ पठान। अच्छा बॉल किया लेकिन वाइड बॉल, काफी पेस से बॉल कर रहे हैं कर्नल जाहिद। जाहिद बॉलिंग के लिए तैयार, आए बॉल की और अच्छा बॉल किया, कैच होने का खतरा, मारो मरी है नीचे लेकिन कैच नहीं हो सका, बॉल काफी दूर था। दो रन मिलेंगे एसएन शेरवानी स्पोर्ट्स को। चौंतीस रन हो चुके हैं एसएन शेरवानी स्पोर्ट्स के। कर्नल आए बॉल करने के लिए, बॉल कराया और अच्छा बॉल, एक रन मिलेगा एसएन शेरवानी स्पोर्ट्स को। अब सामना करेंगे शफी आगा। लाडला राजपूत भाई मैं कराची से ही हूँ। भाईजान आगे सड़ना, हेलो हफीज बाबर सऊदी अरब से देख रहे हैं, थैंक यू सो मच सर जी ज्वाइन करने के लिए। हमें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें ताकि मैच लोग देख सकें। अच्छा बॉल किया कर्नल जाहिद ने, कैच होने का खतरा, कर्नल जाहिद खुद बॉल के नीचे और कैच ड्रॉप कर दिया। काफी जबरदस्त मैच इस वक्त जारी कराची में, फाइनल सेकंड इनिंग का खेल जारी है। जैन गोंदल साहब फाना नहीं है, जाहिद आए बॉल करने के लिए, बॉल की और अच्छा शॉट खेला शफी आगा ने, देखना होगा क्या होता है एसएन चिट्टा फील्डर। एक रन मिलेगा एसएन शेरवानी स्पोर्ट्स को। आमिर मिफ्ता साहब पांचवा ओवर जारी है, पांच बॉल हो चुकी हैं, 44 रन चाहिए मेरे ख्याल में कराची को विन करने के लिए सात बॉलों पे। जाहिद आए बॉल कराने के लिए तैयार, बॉल कराई लेकिन अंपायर का इशारा, देखना होगा वाइट बॉल। नवीद राजा साहब तायरी नहीं था इस्लामाबाद से, पंजाब के दूसरे प्लेयर्स आए हुए थे यहाँ पे। कर्नल आए बॉल के लिए, बॉल कराई और बहुत जबरदस्त बॉल, स्लो डिलीवरी कराई थी अशरफ पठान, बिल्कुल समझ ना सके। लास्ट ओवर का
अब बॉलिंग पे आए हैं राणा मोहसिन फ्रॉम रहीम यार खान। फोर्टी रन्स चाहिए हैं तकरीबन छह बॉल पे। एक और व्हाइट बॉल। मैच ही खत्म हो गया, क्या करा रहे हैं? मैं कह हमारी पूरी लड़ जाए ना, बोले चेक कराओ। ओए इधर आ भाईजान, आगे चढ़ जाओ भाइयों। लो आगे चढ़ जा भाई। अच्छा बॉल, इतना अच्छा शॉट लगा दिया शरण ने। अब चाहिए चार बॉल से 32। चार बॉल है 32 यार। ये चाचा को हटा यार, हटा यार इसको, बोल यार चाचा। अल्लाह का बंदा यार, ये नहीं हटेंगे भैया, पागल हो गए। अच्छा बॉल दे, वो भी आगे ले जा यहां पे। और ये मैं आगे ले यार, वो भी बैटिंग साइड छोड़ ही दे के उन्होंने रोंदी रोनी है। आजो आजो लैंड कर देना मामा। थैंक यू गाइस, ऊपर उठा बस। सही है सही है। अब क्या हो, कराची की खबीस आवाम। क्या दे नारा मार दे। जी हाँ, पंजाब ने ये मैच वन साइडेड विन कर लिया है। बहुत बड़ा फाइनल कराची और पंजाब के दरमियान था। अच्छा दोस्तों, थैंक यू सबका मैच देखने के लिए। अब इंशाल्लाह अगले टूर्नामेंट में मिलेंगे। सब दोस्तों से दुआ की दरख्वास्त है, पंजाब ने मैच विन कर लिया है। थैंक यू सो मच सबका ये मैच देखने के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।